के साथ, जामुन की गुठली के साथ एक ऐसा चूर्ण बना के तैयार करूंगी जिसमें इंसुलिन होने के कारण है शुगर का लेवल है बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाता है, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये एक वरदान साबित हो रखा है। तो इसी चूर्ण को हम अपने घर पे बनाएंगे। किस तरह से हमने जामुन की गुठली लेनी है, उसको धोना है, सुखाना है, किस तरह से सुखाएंगे और किस तरह उसको भूनना है, तो किस तरह से ये पाउडर बनाना है, ये पूरी जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इस चूर्ण को किस तरह से हम अपने घर पे बना सकते हैं। के साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ, बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। जैसे हर घर में हमारे डायबिटीज़ का कोई ना कोई पेशेंट रहता है, तो उसके लिए ऐसी यूनिक दवाई बनाऊँगी जिसके रिजल्ट सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो आजकल जामुन मार्केट में बहुत आ रहा है, तो उसकी हमने ये गुठली ले लेनी है। ये देखिए गुठली मैंने पील कर ली है, ऐसी गुठली बच जाती है। तो इसको हमने धो के सुखा लिया है। सुखाने के बाद फ्रेंड्स हमने इसमें से ग्रीन गुठली है जो इस तरह से हम इसको छील के दिखाते हैं, इस तरह से गुठली है वो बीच में से निकलेगी। तो ये सारी गुठलियाँ हैं जो मैंने छील के इनको इस तरह से रख लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने दो तीन दिन पहले जो सुखा ली थी उनका रंग ब्राउन हो चुका है, लेकिन ऐसे ग्रीन गुठली को हमने सुखा लेना है। लेकिन सुखाना है इसको छाया में है। छाया में सुखाने के बाद फ्रेंड्स हमने इसका चूर्ण बना लेना है। मिक्सी में बना सकते हो, माम जिस्ते में बना सकते हो, कैसे भी आपको जैसे ठीक लगे। तो इसका जो चूर्ण है फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़े से बादाम ऐड करेंगे, सूखे बादाम ऐड करके उसके एक चूर्ण बनाएंगे। वो बादाम इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि ये बहुत ही खुश्क होती है, तो खुश्की के कारण हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसमें बादाम डालेंगे तो एक तो ये ताकतवर बन जाएगी और खाने में भी थोड़ी टेस्टी हो जाएगी क्योंकि बहुत कड़वी होती है ये। तो इस जामुन की गुठली का चूर्ण, बादाम का चूर्ण हमने बना के कांच की शीशी में भर के रख लेना है। उसके बाद हमने फ्रेंड आधा आधा चम्मच नाश्ते के बाद और डिनर के बाद, रात के खाना खाने के बाद दूध के साथ हमने ले लेना है। तो नाश्ते में तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन रात में हमने इसको दूध के साथ ही लेना है। तो आप देखेंगे, आप अपना शुगर लेवल टेस्ट करवाएंगे मतलब इस चूर्ण को खाने से पहले, उसको खाने के बाद, तो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आपके सामने कि आपकी जो शुगर लेवल है वो डाउन आ जाएगा और आपको अंग्रेजी दवाइयों से पीछा छूट जाने वाला है। तो जामुन की गुठली का जो रेसिपी है मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जामुन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, तो उसको आप जामुन तो खाइए ही खाइए लेकिन उसकी गुठली को फेंकिएगा मत। इस तरह से इसका चूर्ण बनेगा, बहुत ही यूजफुल होगा। आप एक इसको लिया कढ़ाई में हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। देसी घी को हमने बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। तो घी मेल्ट हो चुका है, जामुन की जो सूखी हुई गुठली है मैंने इसमें डाल देनी है। ये बहुत ही यूनिक तरीका है जामुन की गुठली की दवाई बनाने का। इसको भी हमने घी में सौते कर लेना है। इससे एक तो ये दवाई की जो खुश्की होती है वो दूर हो जाती है, दूसरा ये दवाई है लंबे समय तक टिकी रहती है और खराब भी नहीं होती जैसे जाला वगैरह देसी दवाइयों में आ जाता है। तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इसको हमने अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है, दवाई को पूरी गुठली को हमने सॉटे कर लेना है। अब फ्रेंड इसमें हमने 10 से 15 20 गिरी हमने जो बादाम की ले लेनी है वो भी इसमें घी में हमने सॉटे कर लेनी है ताकि ये ताकतवर भी बन जाए और दवाई खाने में भी बहुत ज्यादा कड़वी ना लगे, इसीलिए हम इसमें बादाम जरूर डालते हैं। तो इसको हमने इसी तरह से हल्की हल्की आंच पे ही भूनते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से भून नहीं जाए। तो शुगर की ये इतनी कारगर दवाई होती है कि जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स इंसुलिन होता है जो इसकी जामुन की गुठली होती है, इसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इंसुलिन होने की वजह से जब भी ये सीजन आता है जामुन का, तो हम जरूर ये दवाई अपने घर पे बनाकर रखते हैं क्योंकि हमारे घर पे दो पेशेंट है शुगर के, डायबिटीज के, तो उनके लिए हम ये दवाई जरूर बनाते हैं कि शुगर का लेवल बहुत अच्छी तरह से डाउन आ जाता है। अंग्रेजी दवाइयाँ खाने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे बहुत ही अच्छी सी ये शुगर की दवाई है वो बनके तैयार हो जाती है। अब इसको हमने फ्रेंड्स थोड़ा सा सॉटे भी हो चुका है, अब इसको हमने ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। फ्रेंड अब इसको हमने इसको रूम टेम्परेचर पे या फिर आप पंखे के नीचे रख के इसको ठंडा कर सकते हैं। तो अब इसको हम करेंगे ठंडा।
जामुन की गुठली और बादाम हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से ये ठंडे हो चुके हैं। आप देख सकते हो मैं कढ़ाई को पकड़ पा रही हूँ। तो इस तरह से इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको हमने डाल लेना है मिक्सिंग के जार में। तो इसको सारी गुठली को हमने इसी तरह से डाल लेना है। पहले हम इतनी को पीसेंगे, उसके बाद और ऐड कर लेंगे। तो मिक्सी में हम इसको चला लेंगे। अब ये हाफ पीस हो चुका है, इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ेंगे, उसके बाद फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। मिक्सी में इसको मैंने बहुत अच्छे से चला लिया है 2-3 बार। अब इसको हमने छलनी की हेल्प से छान लेना है। तो इसका भी मैंने पाउडर तैयार कर लिया है, इसको भी छानेंगे एक बार। तो इस तरह से सारी ये दवाई है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको कांच के कंटेनर में भर लेना है। कांच का कंटेनर ले लेंगे, इसमें दवाई बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रहती है और जाला वगैरह नहीं पड़ता है। तो इसमें अब इसको हमने फिल कर लेना है। ये देसी दवाई है जो बन चुकी है। इसको आप फ्रेंड्स चम्मच का चौथा हिस्सा हम लेंगे, इस तरह से पीछे से उठा के चम्मच का चौथा हिस्सा वो हम दूध के साथ दोनों टाइम लेंगे। खाने के बाद लेना है, ये अपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से शुगर का जो लेवल है वो आपका कम हो जाएगा इंसुलिन होने की वजह से। तो बहुत ही अच्छी सी मेडिसिन है जामुन की गुठली से हमने बना के तैयार कर ली है। आप भी इसी तरह से जामुन की गुठली को यूज़ कीजिए और उसके साथ अपनी शुगर लेवल को कम कीजिए। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक।